पार्क वोटर्स, आज हम बात करेंगे इलेक्टोरल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एंड पॉलिटिकल फाइनेंसिंग पे। हमारे साथ मौजूद हैं खालिद साहब, एंड खालिद साहब इस मौजू पे एक्सपर्ट हैं। वी विल आस्क हिम एंड टॉक टू हिम अबाउट कि जो नए इनिशिएटिव्स हैं वो इस सिलसिले में क्या रहे। पाकिस्तानी कौम एक दफ़ा फिर 11 मई को इंतखाबी अमल के ज़रिए अपने रिप्रेजेंटेटिव्स मुंतखब करने जा रही है, और आपको पता है कि जब इंतखाबी अमल होता है तो उसके दौरान मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ कैंडिडेट्स और सपोर्टर्स उनके जो हैं वो एक बहुत लंबे चौड़े कम्पेन के प्रोसेस में से गुज़रते हैं, और जब कम्पेन होती है तो उसी दौरान कंप्लेंट्स भी आती हैं, उसी दौरान डिस्प्यूट्स भी अराइज़ होते हैं, और कभी कभी वो डिस्प्यूट जो हैं वो वायलेंस में चले जाते हैं। अभी तक तो उस तरह की वायलेंस डिस्प्यूट्स के हवाले से नहीं हुई है, उसके अलावा तो होती रही है लेकिन उस तरह की नहीं है। लेकिन इस दफ़ा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक 46 नुकात पे मुश्तमिल कोड ऑफ कंडक्ट जारी किया है, जिसके काफ़ी सारे हिस्से जो हैं वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1976 यानी इंतखाबी कवानीन में से लिए गए हैं, और जो चीज़ इंतखाबी कवानीन में से ली जाए तो वो बाइंडिंग हुआ करती है, उसको पाबंदी के साथ नाफज करने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर ज़िम्मेदार हुआ करते हैं, या वो अवामल जिनकी वजह से इलेक्शंस के दौरान कम्पेन के दौरान कुछ तनाज़ात उभरते हैं, कुछ शिकायात होती हैं, उनको लाजमन नाफज करें ताकि उनकी इंटेंसिटी कम हो और इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी, फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा वाजे होकर लोगों के और दुनिया के सामने आए। तो उसके लिए पहली चीज़ तो ये कर दी गई है कि कोड ऑफ कंडक्ट को एक कॉम्प्रिहेंसिव शक्ल दे के, एक जामे शक्ल दे के नाफिज कर दिया गया है। दूसरी चीज़ ये है कि डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स और रिटर्निंग ऑफिसर जो हैं उनको लामहदूद अख्तियारात मिले हुए हैं। कानून ये कहता है कि जो करप्ट प्रैक्टिसेस हैं वो सिर्फ रेगुलर कोर्ट्स में जा कर ट्राई होंगी, लेकिन जो इलीगल प्रैक्टिसेस हैं जो कि एक बुनियादी वजह हुआ करती हैं इलेक्शन डिस्प्यूट्स का, उनमें से बेशतर ऐसी हैं जिनको डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और रिटर्निंग ऑफिसर अपने उन अख्तियारात के तहत जो इलेक्शन कमीशन उनको फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट की हैसियत से देता है वो रिजॉल्व कर सकते हैं और करते रहे हैं। लेकिन इस दफ़ा एक नई चीज़ ये आई है कि उनको बाकायदा ये कह दिया गया, पाबंद कर दिया गया कि आपने ये एक्शंस लेने हैं जो लोग वायलेट करेंगे, खिलाफ वर्जी करेंगे ज़ाबता इखलाक की या कानून की, तो उसके लिए ये काम उन्होंने शुरू कर दिया है। उनकी मुआवनत के लिए इलेक्शन कमीशन ने इस दफ़ा मॉनिटरिंग टीम्स भी बना दी हैं, जो कि फील्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज मॉनिटरिंग टीम कहलाती हैं, और वो अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जाके और जो शिकायात हैं, जो लोगों की वायलेशंस हैं, वो बाकायदा हफ्तावार और रोज़ाना की बुनियाद पर डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर को वो एक प्रिस्क्राइब परफार्मा पर देती हैं, जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर उसको देखने के बाद, इन्वेस्टिगेट करने के बाद एक ऑर्डर के ज़रिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ये कहता है कि वो जाके वो वायलेशन जो कैंडिडेट या सपोर्टर्स की तरफ हो रही हैं उनको रिमूव करते हैं, और ये काम अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके से हो रहा है। हमारे पास जब हम बहुत से डॉक्यूमेंट्स पढ़ते हैं तो पढ़ने में तो वो बहुत अच्छे होते हैं, मगर उनकी इम्प्लीमेंटेशन शायद इस तरह नहीं हो पाती जिस तरह के हम चाहते हैं। तो ये जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट है उसकी इम्प्लीमेंटेशन आपके ख्याल में कितनी हो रही है, सही हो रही है, लोग फॉलो कर रहे हैं उसको, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, और क्या इसके ज़रिए आपके मालूमात में, तलात में कोई ऐसे केसेस आए हैं जो कि कोड ऑफ कॉन्डक्ट को जो पार्टीज़ फॉलो ना कर रही हों और फिर दे हैव हैड टू आंसर बिकॉज ऑफ दैट? इस दफ़ा इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह और से इनिशिएटिव लिए हैं इसी तरह इस बात पर भी उन्होंने फोकस किया हुआ है कि जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसकी इम्प्लीमेंटेशन को इंश्योर किया जाए, नंबर एक। नंबर दो, जो रेगुलेशंस हैं जो गवर्न कर रहे हैं इलेक्टोरल प्रोसेस को, उनकी इम्प्लीमेंटेशन को भी इंश्योर किया जाए, और उसके लिए एक इजी और स्पीडी मैकेनिज्म इवॉल्व कर दिया जाए।
तो उस पर काम हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स और रिटर्निंग ऑफिसर्स की बाकायदा ट्रेनिंग कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन ने 2 दिन और 3 दिन की ट्रेनिंग ओरिएंटेशंस की हैं इनकी, और उस ट्रेनिंग में उनका इलेक्ट्रल प्रोसेस का जो प्रोसीजर है उसके अलावा ये जो कोड ऑफ कंडक्ट की इम्प्लीमेंटेशन है या इलेक्शन डिस्प्यूट्स का जो रेजोल्यूशन है उस पर, पॉलिटिकल फाइनेंस पे, मॉनिटरिंग टीम्स पे ज़्यादा फोकस किया गया है, और उसका रिज़ल्ट ये निकला है कि अब DRO साहिबान पहले इलेक्शंस की बनिस्बत इस दफ़ा काफ़ी तवज्जो दे रहे हैं इलेक्शन डिस्प्यूट्स रेजोल्यूशन पे, और कोड ऑफ कंडक्ट की इम्प्लीमेंटेशन 2008 के इलेक्शन या उससे पहले के इलेक्शन की निस्बत बहुत इम्प्रूव हुई है, और लोग भी मुतमईन हैं, और एक अच्छा मैसेज न सिर्फ पाकिस्तानी अवाम को बल्कि पूरी दुनिया को जा रहा है, क्योंकि इस वक्त आपके इलम में होना चाहिए कि इंटरनेशनल और नेशनल ऑब्जर्वर्स मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस पूरे इलेक्शन कम्पेन को मॉनिटर कर रही हैं 2008 और उससे पहले के इलेक्शन के तहत जिस तरह होता था कि कोई भी एग्रीव्ड पार्टी कैंडिडेट या कोई बंदा वो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर को या प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर को या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को और बाज़ केसेस में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर को एप्लीकेशन देता था, लेकिन ये सारी एप्लीकेशंस अल्टीमेटली फिर डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स के पास चली जाती थी, और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स अपने इख्तियारात के मुताबिक उन पे अमल दरामद करता था। लेकिन उसके लिए सवाए इलेक्शन कमीशन और प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर्स ऑफिसर्स के और कोई रिकॉर्ड मेंटेन करने का जरिया नहीं होता था। इस दफ़ा डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर साहिबान और RO साहिबान को भी कह दिया गया है कि वो पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, उनके पास जो एप्लीकेशन आएंगी वो उनको रजिस्टर करेंगे, उन पे जो एक्शन है वो एक्शन लेंगे, और फीडबैक लेने के बाद, अपने एक्शन का फीडबैक लेने के बाद वो इलेक्शन कमीशन को इन्फॉर्म करेंगे। ये मैं बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि इस दफ़ा काफ़ी बेहतरी हमें नज़र आ रही है, और उम्मीद है कि आइंदा जो चंद दिन रह गए इलेक्शन कमीशन में इसमें और भी गियर अप हो जाएगा। शायद इलेक्शन कमीशन इसको मज़ीद इस पर फोकस कर रहा है, और उन्होंने मज़ीद कुछ इंस्ट्रक्शन जारी कर दी हैं डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स को, कुछ स्पेसिफिक जो वायलेशंस हैं ताकि उनको देखा जाए और उन पर काम किया जाए। आपने सुना कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के बारे में बहुत कुछ हो रहा है, एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट है जिसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, और ये सिर्फ कागज़ी बातें नहीं हैं, ये एक्चुअली ऑन ग्राउंड हो रहा है, और ये बहुत पुरुमीद बात है। आई होप दैट यू वोट दिस टाइम एंड स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर अदर प्रोग्राम्स।